स्टार्ट किया है उसका रीज़न है कि मुझे बचपन से बहुत शौक था कि मैं लोगों की मदद करूं, और उसके ज़रिए अपना एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी था, जिसको रजिस्टर्ड कराया मैंने। उसके ज़रिए अभी मैं बहुत लोगों की मदद कर रही हूँ, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। मुझे आगे चल के वृद्धाश्रम बनाना है, अनाथ आश्रम बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत प्लानिंग है। इससे पहले भी मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं और अभी बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। एक किस तरह का प्लान बना आज जो है झुमकी झोपड़ी में आप आए हैं, जहाँ और गरीब लोग हैं जिनके पास मूलभूत आवश्यकता है चीज नहीं है, पढ़ने के लिए चीज नहीं है, किस तरह से प्लान बना कि यहाँ आना है, इनको देना है, कुछ इनके लिए कुछ करना है? मतलब पहले तो मैंने बहुत चीज़ें मैंने खुद ऐसी देखी है, मैं भी एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जब कहीं जाती हूँ तो देखने को मिलता है मुझे। तो मैंने सर्वे कराया, मुझे लगा ये एरिया मेन है जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है, उनके लिए नोटबुक्स हो या पेन्स हो, स्टेशनरी बहुत मायने रखती है, तो मुझे लगा यहाँ पर करवाना चाहिए, इसलिए ये प्लान किया। अच्छा, और कौन लोग यहाँ के लोगों ने सहयोग दिया, कुछ वो बताना चाहिए? वैसे तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, जिसमें से हमारी टीम में सूरज धाव से हैं और वो सुबह से परेशान है, कल से उन्होंने 2 दिन के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसकी तैयारी चल रही है। और मोहम्मद राशिद हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, लई खान हैं, और हमारे जो मीडिया पीआरओ हैं संजय भूषण जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, वो हमारे साथ आए हैं। हमारे मैनेजर, हमारे नरेश चाचे, वो भी हमारे साथ हैं, तो बहुत बड़ी टीम है जिनका सहयोग है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, लकी तरार जी यहाँ पे आए हैं, और सिंगर अल्तमश फरीदी आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, और अरशद सिद्दीकी जी आने वाले हैं, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ पे बच्चों में खुशियाँ बांटने आ रहे हैं। हमने देखा काफ़ी बच्चे हैं और बहुत उत्सुक भी हैं। अनुमान कितने ग्रुप बंटने वाले हैं, कुछ टोकन ओकन भी यहाँ दिया गया है? टोकन दिया है, 150 से 200 बच्चों को टोकन दिया गया है, तो मैं चाहती हूँ कोई निराश होकर ना जाए, तो 150 का मेरा टारगेट था, लेकिन 200 शायद हो गए हैं, तो किसी को निराश नहीं करूँगी मैं। एक लास्ट ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा करके बुक वितरण जून या जुलाई तक होता तो उनको कुछ और ज़्यादा लाभ हो जाता, कुछ लेट हुआ किसी कारण से? नहीं, मैंने वो सोचा नहीं कि कब किसको क्या देना चाहिए, ज़रूरत है तो आप कभी भी दे सकते हैं। नोटबुक का कोई ईयर नहीं होता है, राशन का कोई ईयर नहीं होता है, वो आपको ज़रूरत पड़ती ही है, तो मेरा कुछ भी लेट नहीं हुआ है। मैं महीने में 3-4 प्रोग्राम कर ही रही हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत करूँगी तभी तो लोगों को पता चलेगा ना मॉम फाउंडेशन क्या है, वही नहीं पता चल जाएगा, मुझे करना पड़ेगा चाहे वो। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है कब मुझे नोटबुक का वितरण करना चाहिए, मुझे लगा नहीं ये सही टाइम है करना चाहिए, तो मैंने तैयारी कर ली, वो भी 2 दिन के अंदर करी है मैंने तैयारी। कुछ और आगे आने वाले समय में कुछ कर रहे हैं जरा हमारे दर्शक बता दें? जी, अभी मेरा एक राशन का हुआ था, टीबी पेशेंट का हुआ था, जो टीबी पेशेंट के लिए मैं 6 मंथ तक हमारे साइड से राशन गया है, जाएगा पूरे 6 महीने तक। और व्हीलचेयर मैंने डोनेट किए हैं अपने बर्थडे वाले दिन, जब 12 अगस्त को, और उससे पहले मैंने 450 बच्चों को बैग डोनेट किया है वाड़ा में। तो ये हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं, और भी मैं कैंसर पेशेंट के लिए मदद कर रही हूँ, 2-4 ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जो जिनको मैंने अपने साइड से मतलब मदद की है, और सक्सेसफुल रहा है उनका ट्रीटमेंट। और जो आप फ्यूचर का पूछ रहे हैं ना, तो मैं 200 से 300 लेडीज़ का कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जिसमें मेमोग्राफी फ्री है उनका, तो वही हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, तो शायद 1 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। मॉम फाउंडेशन रखा गया, मम्मी के साथ आपके किस तरह के संबंध, और मम्मी कैसा महसूस? मेरी मम्मी आई है, मम्मी क्या कुछ बोलती जब किस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मम्मी कितना सपोर्ट हो जाता है? एक्चुअली मॉम फाउंडेशन माँ के ज़रिए ही रखा है, मेरे सगे भाई नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं ही मेरी माँ की माँ मैं ही हूँ, वो मेरी औलाद है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा जब आता है ना तो वो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम ही लोग मम्मी पापा हो जाते हैं, तो वो मेरी माँ है, मैं उनकी केयर करती हूँ, तो मुझे लगता है उनके साथ साथ और लोगों की भी ज़रूरतमंद की केयर करना चाहिए, इसलिए मैंने मॉम फाउंडेशन रखा। और मेरी माँ का, मेरे पापा का, सबका सहयोग है, सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं एक नेक काम कर रही हूँ, सबकी दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे आगे करूँगी।
पुनीत काम आपकी बिटिया कर रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रही है? बोलो, अच्छी अच्छे काम कर रही है, बोलो। इमोशनल है वो थोड़ा सा, बोलो। बिटिया का बचपन से सपना था कि हम बड़े हो गए हैं गरीबों की मदद करेंगे, दुआ दो सबका अच्छा हो, बोलो सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा। इतना पावन और पुनीत कार्यक्रम हो रहा है गरीब बच्चों के लिए, क्या आप बोलना चाहेंगे? तो ये बहुत अच्छा काम है जो कि हमारा मैडम कर रही है, तो हम सब लोग चाह रहे हैं कि काम और भी आगे चल के बड़े लेवल पे हो। छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि और भी लोग हमारे इस काम को सराहें और ज़्यादा जैसा ये काम करें, तो इसलिए भी कर रही है ताकि अच्छे तरह से नाम हो जाए और लोग देखें और लोग और भी आगे आके लोग बच्चों की मदद करें और जिनको प्रॉब्लम था उनकी भी हेल्प करें। तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास आगे और भी एक कैंसर ब्रिस्ट कैंसर के लिए हम भी काम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हमारे पास टाटा हॉस्पिटल हेल्प कर रहा है और भी आगे चल के और भी प्रोग्राम हम देख रहे हैं। आदरणीय जयरा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर ऐसे जो गरीब बच्चों के लिए इतना अनेक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ईश्वर इनको खूब शक्ति दे और निरंतर ये कार्यक्रम करती रहे गरीबों के लिए। ये बहुत मतलब नेक कार्य है, मतलब समाज के लिए इनको पढ़ाने के लिए अच्छा कदम उठाया है। माफ हो गया क्या मिलता है, जो गरीब के काम आता है उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई, जो गरीब के काम आता है परमात्मा उसके काम आता है, क्योंकि गरीब की खुशी में गरीब के मुस्कुराहट में परमात्मा का वास होता है। मैं पूरी मॉम फाउंडेशन को, जिनके नाम में ही मॉम है, माँ और माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती है उसे खुशी देने के लिए, उसके अच्छे से अच्छा जीवन देने के लिए, और आम फाउंडेशन के तमाम टीम को मैं समझता हूँ कि कितना खूबसूरत भजन बज रहा था उसके बावजूद इस धार्मिक और मार्मिक वातावरण में मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो गरीबों की मदद में 10 लाख गुना ज़्यादा फायदा है। मैं समझता हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, यही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है, क्योंकि निदा फाजी साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जुड़ चुका हूँ। ये सुधीर दर्द मेरे सामने खड़ा हूँ, उधर देखो क्या फायदा, लड़कों ने भी नहीं किया ये जो काम कर रही है, खाली फोटो ले सारी लड़कियां प्राउड भी कर रही कि ऐसा सारा भी कर रही है काम, जैसे मैं भी कर रही हूं, कल को भी ऐसा प्राउड फील होता है, तो हम लोग को भी बहुत प्राउड फील होता है, मेरी अपनी ये सारा कर रही है और अच्छी बात है करना चाहिए। आज जारा जी के फाउंडेशन में आए हुए, क्या कुछ करना चाहेंगे? जारा जी से मेरी मुलाकात अभी पहली मुलाकात हुई, बट जिस तरीके से जारा जी काम कर रहे तो मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की, क्योंकि ऊपर पट्टी में इतनी अच्छी फैसिलिटी और बच्चों को जिस तरीके से हेल्प कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये काम इनको हर जगह काम आएगा, क्योंकि इन बच्चों की दुआएं जो है ना ऊपर वाला सुनेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये काम सभी को करना चाहिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमें भी करना चाहिए, हम करते हैं हमेशा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे फंक्शंस में जाना, ऐसे चीज़ों से जुड़ना, मुझे बहुत मायने रखती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको आप ऐसे ही लोगों हेल्प करते रहें। और जारा जी आपके यहाँ पहुँचे हैं, अल्तमा से कुछ कहेंगे? सबको इनका नाम पता है, बस मैंने इनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मेरा एक काम मैं कर रही हूँ बच्चों को, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पूछा, इन्होंने बोला हाँ जरा जी को कब तक आना है, कहाँ आना है, और आए मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे से कुछ भी नहीं दिखाई, मेरे से बात
दीपक जी क्या कहेंगे? सुंदर नीत कार्य करे गरीब बच्चों के लिए, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज दारा जी के फाउंडेशन में आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दारा जी से मेरी मुलाकात अभी हमारी मुलाकात हुई, बट जिस तरीके से दारा जी काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की। मुझे झोपड़ पट्टी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज और बच्चों को जिस तरीके से हेल्प बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये काम इनको हर जगह काम आएगा, क्योंकि इन बच्चों की दुआएं जो है ना ऊपर वाला सुनेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये काम सभी को करना चाहिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमें भी करना चाहिए, हम करते हैं हमेशा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे फंक्शंस में जाना, ऐसी चीज़ों से जुड़ना, मुझे बहुत मायने रखती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको आप ऐसे ही लोगों हेल्प करते रहें। और जारा जी आपके यहाँ पहुँचे हैं, अल्तमा से कुछ कहेंगे? सबको इनका नाम पता है, बस मैंने इनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मेरा एक काम मैं कर रही हूँ। इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, इन्होंने बोला हाँ जरा ये बताओ कब आना है, कहाँ आना है, और आए मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक जी क्या कहेंगे? सुंदर नीत कार्य करे गरीब बच्चों के लिए, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।